नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बिहार पंचायत चुनाव 2021 का बिगुल फूका जा चुका है और विश्वस्त सूत्रों की माने तो कल यानी कि 24 अगस्त को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और यह चुनाव 24 सितंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगा। यह चुनाव कुल 11 चरणों में होना है और जो संभावित तिथियां हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही एक छोटा सा अपडेट यह भी देते चलें कि चुनाव आयोग ने यह भी तय किया है कि अगर दो उम्मीदवार को बराबर वोट आते हैं तो लॉटरी के माध्यम से एक पर्ची निकाली जाएगी और वो जिसके भी नाम का होगा वह एक मत के रूप में काउंट होगा और लॉटरी में जिसका भी नाम आएगा उसे ही विजयी घोषित किया जाएगा। कल यानी कि 24 अगस्त को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होना है। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग द्वारा बताया गया कि 2016 में पंचायती राज एवं ग्राम कचहरी के आम चुनावों के गठित त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी की कार्य अवधि जून 2021 में समाप्त हो गई है। इसके लिए निर्वाचन आयोग बिहार के अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए 11 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। आगे चरणों के साथ वो तिथि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पहला चरण का चुनाव 24 सितंबर को होगा, दूसरा चरण 29 सितंबर, तीसरा चरण 8 अक्टूबर, चौथा चरण 20 अक्टूबर, पांचवा चरण 24 अक्टूबर, छठा चरण 3 नवंबर, सातवां चरण 15 नवंबर, आठवां चरण 24 नवंबर, नौवां चरण 29 नवंबर और दसवां चरण 8 दिसंबर के बाद आखिरी यानी कि 11वां चरण 12 दिसंबर 2021 को संपन्न होगा। और इसी तरह बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न कराए जाएंगे। आपको बता दें कि ईवीएम के माध्यम से यह चुनाव होने हैं, जिसमें कि अलग अलग राज्यों से कुल 188,000 ईवीएम मंगाई गई हैं और त्रिस्तरीय बिहार पंचायत चुनाव 2021 में करीब 10 लाख उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए अपना भाग्य आजमाएंगे। गौरतलब हो कि 6 पदों के लिए जिसमें मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पद शामिल हैं के लिए चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी 6 पदों के लिए 129 चुनाव चिन्हों की घोषणा की है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने 14 चिन्ह सुरक्षित भी रखे हैं ताकि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव चिन्ह बदले जाने का आग्रह किए जाने पर उन्हें बदला जा सके। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में कुल 2,59,260 पदों पर निर्वाचन होना है। इसमें मुखिया के 8,387 पद, सरपंच के 8,387 पद, वार्ड सदस्य के 1,14,667 पद, पंचायत समिति सदस्य के 11,491 पद, जिला परिषद सदस्य के 1,161 और पंच के 1,14,667 पदों पर चुनाव होने हैं, जिसे ही अब पूरा करने की तैयारी शुरू हो गई है और कल इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद जो भी प्रत्याशी हैं वो पूरी दमखम के साथ इन चुनावों में लग जाएंगे। साथ ही महिला प्रत्याशियों को अपना जाति प्रमाण पत्र पति नहीं बल्कि पिता के नाम से दिखाना है तो उनके पिता के घर जाने और अपने मायके जाने का सिलसिला जो है वो जोरों पर है और सब अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने में लगे हैं, जो भी संभावित प्रत्याशी होने वाले हैं इस पंचायत चुनाव के। बहरहाल आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, अपडेट और खबर आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।